हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेबर्स कैफे। आज हम फिर से वापस आ चुके हैं टीएमसी स्पोर्ट्स का एक स्पॉन्सर्ड इवेंट लेके आप लोगों के पास। जैसा आप लोगों को पता है ये मैचेस कल भी हो चुके हैं, बुल बी के ये सेकंड डे के मैचेस हैं, बट ये मैचेस आई थिंक सो ये यहाँ पे फिर से रिपीट होने को हमको देखने मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिगेशन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे पहला एक नॉक निकल चुका है, वो भी विन 94 के द्वारा। प्लेयर्स PXT यहाँ पे विन 94 का कमाल दिखाते हुए आई थिंक सो इन्होंने एक और प्लेयर को बहुत ज़्यादा लो किया विन 94 से, और विन 94 से यहाँ पर इन्होंने एक प्लेयर को नॉक कर दिया था। अभी किल इनके खाते में अभी कर नहीं आया, बट अच्छा खासा आप बोल सकते हैं विन 94 से भी इम्पैक्ट बनाते हुए यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ब्लेज के PXT। आई एम सॉरी, आप लोगों को एक ही क्लिप बहुत टाइम तक देखना पड़ा, क्योंकि आई वॉज इन टॉक्स विद द कोऑर्डिनेटर्स, और मैं उनको यहाँ पे जोर से एक वार्निंग देने के लिए बोल चुका हूँ प्लेयर्स को कि अगर आप ऑल पर माइक यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई करने को मिल जाएगा। कि वी वॉन्ट, अगर ये किसी का भी टूर्नामेंट हो, बट इफ़ यू आर मैनेजिंग दैट और इफ़ यू आर कास्टिंग इन दैट, सो TNC स्पोर्ट्स का एक ही रूल है कि हेल्दी इन्वायरमेंट रहना चाहिए गेम्स के लिए, तो इसीलिए हम इस चीज़ को ही सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप कोऑर्डिनेटर्स हैं तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, चाहे टूर्नामेंट कोई भी करवा रहा हो। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ ही आप ट्राई करें कि मैचेस हो यहाँ पे। तो और यहाँ पे अभी TNC टॉक्सिक में आई एम फॉरगॉट टू गिव माई इंट्रो। दिस इज़ TNC टॉक्सिक विद TNC मामा ओपी, एंड ये आपका बर्नआउट 4.0 का Day 2 Match 1 है। और एक्चुअली जो कल के मैचेस हुए थे, कल के मैचेस सारे रद्द हो चुके हैं। कल के मैचेस के जो डिसीजन है, जो पॉइंट्स टेबल है, वो वैलिड नहीं है। आज के पॉइंट्स टेबल फिर से बनेंगे और आप लोगों को मैचेस के बाद देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो आई थिंक सो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए उस चीज़ के लिए। और हर मैच के लिए एक अलग क्लिप अलाउंड रिकॉर्ड होगा, और हर मैच का एक अलग क्लिप यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट भी पसंद आ रहा हो, या फिर हम लोगों की कास्टिंग में कोई अच्छी बात लग रही है, कुछ यूनिक लग रहा हो, तब ज़रूर से एक सब्सक्राइब बटन दबा देना। और साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ साथ हमारा ये वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने जो भी प्लेयर्स थे उन सब के साथ यहाँ पे शेयर कर देना। और अभी के लिए तो हम बस यहाँ पे स्क्वाड को स्पॉट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई स्क्वाड यहाँ पे फाइट ले। लेकिन अभी यहाँ पे पहला ड्रॉप आते हुए तो मैं ज़रूर से देखना चाहूँगा, क्योंकि थिंक सो कि ड्रॉप एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप एक बोल सकते हैं कि ड्रॉप अनेबल टू स्पॉट द ड्रॉप, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि ड्रॉप कब तक नीचे गिरता है, उसके बाद ही हम ड्रॉप में जो सामान है वो देख पाएंगे। लेकिन ट्राई पूरी रख रहे हैं हम। यहाँ पे ड्रॉप में ग्रोजा देखने को मिल रहा है विथ Level 3 इक्विपमेंट्स, जो बहुत ही ज़्यादा ओपी है, बहुत ही ज़्यादा ओपी हमको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और ड्रॉप यहाँ पे नज़दीक में पड़ रहा है पिकाडो से और पावर ग्रिड से, तो पावर ग्रिड से ये स्क्वाड्स अगर चाहे तो यहाँ पे आ सकती है। और यहाँ पे नॉक्स पे नॉक्स निकलते हैं। ब्लेज के मैट्रिक्स ने यहाँ पे कोबरा के मयूर को नॉक कर दिया, तो ब्लेज के मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ब्लेज यहाँ पे कुछ किल्स निकालते हैं, और फाइनली यहाँ पे ब्लेज के मैट्रिक्स के यहाँ पे खाते में यहाँ पे किल्स नहीं आया, सॉरी नॉक्स है, ओके नॉक्स यहाँ पे इनके खाते में जरूर आएगा। एक सिंगल पेयर के कारण ब्लेज के डेविल ने यहाँ पे कोबरा के मायर को फिनिश कर दिया गया। आपको फाइनली किल आ चुके ब्लेज के जो ब्लेज के जो B4M, ब्लेज के PXT, ब्लेज के मैट्रिक्स और ब्लेज के डेविल, ये सब एक अच्छा रोल प्ले करने के ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे मोस्टली ट्राई किया जा रहा है कि जितने स्टार्टिंग में किल्स हो सके वो निकाल लें, और लास्ट में वापस से किल्स निकाला जाए, और बीच में फिर जो फाइट होगी वो फाइट को थोड़ा कम करके मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे जोन पे फोकस किया जाए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि टीम जो 25 है उनके दो प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, जो कि है कोबरा के माहिर और रशर जनक। इन लोगों को अर्ली एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है, जो इनके लिए अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि अभी अगर देखें तो सिर्फ एक ही स्क्वाड के सिर्फ दो बंदे एलिमिनेट हुआ है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इनके और स्टीम स्लॉट 17 के FBA राइवल, जिनको विन 94 से बहुत ही बेहतरीन नॉक इन्होंने निकाला गया था। आई थिंक सो वो भी किल आई थिंक सो टीम ब्लेज के ही खाते में गया था। यस, यहाँ पे कि तीन किल्स हमको देखने को मिल रहा है, तो आई एम श्योर कि ये तीन किल्स जो हैं ये ब्लेज ही ब्लेज यहाँ पे आई थिंक रुकने का नाम नहीं ले रही है, ब्लेज रुकने का नाम नहीं लेगी।
देखते हैं ब्लेस के ऊपर कोई स्टॉप लगाता है या फिर ब्लेस किसी और स्कॉट को यहाँ पे स्टॉप लगाते हुए देखने को मिलती है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये पहला मैच, आप लोगों को अगर मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ तो ये पहला मैच एक मिरामर मैप है, सेकेंड मैप विल बी सैनॉक और मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड मैप विल बी रेंगल एंड थर्ड मैच विल बी सैनॉक। ऐसा हो सकता है, शेड्यूल में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ द जो इवेंट है। और मैम मेरे को पता है आप लोग मिस कर रहे होंगे टीएनसी मामा ओपी को, तो टीएनसी मामा ओपी विल बी जॉइनिंग अस इन द कास्टिंग सीरीज ऑफ द सेकंड मैच फ्रॉम डे टू। और ये सारे जो मैचेस हैं वो इंडिविजुअली पोस्ट किए जाएंगे, सो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मैचेस के साथ साथ आपको दूसरे मैच का भी जो लिंक है वो आपको साथ ही साथ मिल जाने वाला, तो आप इतना टेंशन में मत रहिए, आराम से चल कीजिए और मैच का मजा लीजिए। एंड दीज मैचेस आर नॉट बीइंग स्ट्रीम, दीज मैचेस आर बीइंग रिकॉर्डेड। सो जो भी ये रिकॉर्डेड फुटेजेस हैं एंड साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड फुटेजेस के साथ जो यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं कास्टिंग और जो भी यहाँ पे ऊपर से एडिटिंग की जाएगी सब यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। कल के कल तीन मैचेस तीन अलग अलग टाइमिंग्स पे अपलोड कर दिया जाएगा एंड यू जस्ट हैव टू चेक इट आउट। और चेक इट आउट करके अगर आप चेकआउट कर रहे हो और इस टाइम पे अगर आप ये देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप अपने दूसरे प्लेयर्स के साथ भी शेयर कर दें इस वीडियो को और साथ ही साथ लाइक बटन को भी प्रेस कर दें। और तो बढ़ते हैं, हम देखते हैं किसी और स्क्वाड में यहाँ पे फाइट देखने को मिली है कि नहीं मिली। यहाँ पर दूसरे किसी स्क्वाड में फाइट देखने को नहीं मिल रही है, लुक्स क्वाइट प्रेटी बोरिंग फॉर अस क्योंकि कास्टर्स को उम्मीद होती है कि एक अच्छा खासा फाइट देखने को मिले। बट आप लोगों को पता होगा कि ये मिरामार का मैप है, मिरामार के मैप में मोस्टली जो लास्ट जोन बनते हैं वो ओपन जोन्स रहते हैं, तो वहाँ पे ही फाइट सबसे ज़्यादा होते हैं। और मिरामार मैप इतना बड़ा है एक तो कि यहाँ पे फाइट्स स्टार्टिंग फाइट्स बहुत ही कम देखने को मिलती है जब तक ड्रॉप लोकेशन क्रैश ना हो, जैसे कि यहाँ पर टीम ब्लेज का क्रैश हुआ था उसकी वजह से उन्होंने FBI के राहुल को यहाँ पे नॉक कर दिया, नॉक और फिनिश कर दिया था। Win94 ब्लेज को बहुत OP खेली आज के मैच में, मैं जरूर कहना चाहूँगा। बट अभी मैं देखना चाहता हूँ इसके बाद पहली स्क्वाड कौन होगी जो पूरी की पूरी एलिमिनेट होगी। यहाँ पे अभी तक हमको एक सोलो एलिमिनेट होते हुए दिखे हैं, एक दो एलिमिनेट होते हुए दिखे हैं, बट क्या हमको एक स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए दिखेगी कि नहीं दिखेगी, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे अभी तो कोई स्क्वाड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, बट यहाँ पे फाइट हो सकती है जो स्लॉट 10 के जो प्लेयर स्लॉट 25 यहाँ पे दो प्लेयर्स जो एलिमिनेट हुए थे वो अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं पिकाडो में। और इन्होंने लॉस एंजलस के इधर से इन्होंने जो ड्रॉप लिया था वो जंकयार्ड के इधर लिया था, जंकयार्ड से इन्होंने ड्रॉप लेके आए थे, इनसे लॉस लियोन्स आए थे और लॉस लियोन्स से इन्होंने जो लॉस लियोन्स वो फाइट लिया जिसकी वजह से दो प्लेयर इनके एलिमिनेट हो गए, जिसकी वजह से फिर यहाँ से ये इस्केप करके यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आई थिंक सो फाइट इनिशिएट हो चुका है या फिर मैडमैक्स और टीम लोकी के बीच में। और कल के कुछ स्पेकुलेशंस और कुछ बोल सकते हैं रिजल्ट बेसिस पे भी कुछ लोगों को थोड़ा सा शक है, तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि शक का मतलब आप ये मत समझिए कि दैट दे आर श्योरली हैकिंग और यूजिंग ESPs और दे आर चीटिंग और एनीथिंग, बट किसी भी टीम्स पर शक होना दैट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल, नॉट फॉर द टीम्स, नॉट फॉर द किसी भी प्लेयर लेजिटिमेसी जो है बोल सकते हैं वो चेक करना दैट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल। यहाँ पे कैप्टन जैक स्पैरो यहाँ पे टीम लोकी के नज़दीक में निकलते हुए, तो यहाँ पे कैप्टन जैक स्पैरो बहुत ज़्यादा कम हेल्थ के साथ बचे, कैप्टन जैक स्पैरो यहाँ पे अभी स्केप किए होंगे पूरी तरह से, कैप्टन जैक स्पैरो यहाँ पे बच तो चुके हैं। बट यहाँ पे इनके M4 में यहाँ पे सप्रेशर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये M4 से स्प्रे नहीं, यहाँ पे ये कार्नेटेड का कमाल दिखाने वाला है। देखते हैं क्या ये कार्नेटेड का प्यारा नॉक हमको देखने को मिलता है कि नहीं, लेकिन उससे पहले ब्लेज के PXT यहाँ पे एक नॉक निकाल चुके हैं और लोकी ने यहाँ पे हॉक के एक प्लेयर को निकाल दिया, हॉक अर्शन सॉरी जो कैप्टन जैक स्पैरो की टीममेट है, तो अब क्या उनको रिवाइवल दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे हॉक अर्शन को यहाँ पे एलिमिनेट तो नहीं बट बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ब्लीड आउट हो रहे हैं। और यहाँ पे जोकर आ चुके हैं फाइनल रिवाइवल के लिए और स्मोक नहीं किया इन लोगों ने पहले स्मोक, तो जब उसमें यहाँ पे एक सजेशन ड्रॉप करना चाहूँगा कि इफ़ यू आर रिवाइविंग समवन एट लीस्ट ड्रॉप अ स्मोक इन फ्रंट ऑफ देम। पहले यहाँ पे वापस ड्रॉप पे वापस दूसरा ड्रॉप का फिर दूसरा ड्रॉप तो नहीं है, यस ये दूसरा ड्रॉप नहीं है, सेम आई थिंक सो जो पहला ड्रॉप गिरा था यस वही है, बट यहाँ पे
ये ड्रॉप पे किसने लूटा ये मेरे को नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पे चारों प्लेयर्स आ चुके हैं, नियरली आसपास ही आ चुके हैं, बट यहाँ पे किसी को नॉक। अब जो सिर्फ एक ही प्लेयर हॉक और सिर्फ हॉक थे और कैप्टन जैक स्पैरो यहाँ पे 40 HP थे, बट अब वो बच चुके हैं। यहाँ पे इनको देखना ये रहेगा कि ये ओपन में जा चुके और इनके नज़दीक में ही दूसरी टीम है, इन्होंने इस चीज़ को स्पॉट ही नहीं किया। बट हॉक और शील्ड बहुत ही ज़्यादा है, बोल सकते हो आप सिर्फ 1 HP या 2 HP के यहाँ पे मार्जिन से बच चुके हैं। बट अब ये इनको हील लग चुका है, अब देखते हैं क्या हॉक और शील्ड एक अच्छा खासा स्प्रे हमको दिखाने में कामयाब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और गॉड बीस्ट यहाँ पे अपने M24 के साथ यहाँ पे निकल चुके हैं। क्या एक M24 का प्यारा सा चाटा देखने को मिल सकता है कि नहीं। यहाँ पे एक चाटा लगाने की कोशिश की गई बट यहाँ पे शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, जिस बुलेट ड्रॉप भी थोड़ा सा होता है तो आपको अगर पता होगा ऑफकोर्स किसी भी गन में बुलेट ड्रॉप तो होता ही है, जितना ज़्यादा लॉन्ग रेंज होगा तो आप ऐसा मत समझिए कि अगर आप हेड ड्रॉप के डायरेक्ट एम कर देंगे तो वो एम हो जाएगा। यू शुड लिटरली गो अबव द हेड फॉर मोस्टली स्नाइपर्स में तो आपको यही करना चाहिए। ओम ही नहीं ऐसी गन है जिसका सबसे वीक बुलेट ड्रॉप है, बट ओम भी ऐसी गन है कि उसका भी बुलेट ड्रॉप है, आप समझ सकते हो ओम जैसी गन का बुलेट। बट हिटमैन रवि ने यहाँ पे एक नॉक निकालते M F1 के खिलाड़ी यहाँ पे एक शॉट प्लेयर का नॉक निकालते हुए। यहाँ पे प्लेयर्स का नाम मोस्टली ऐसा रखा जा रहा है कि एक तो नाम भी नहीं ले सकते, बट मैं दिखा सकता हूँ जो कौन से प्लेयर नॉक करते। रॉक के पोरस ने यहाँ पे लोकी को नॉक कर दिया, तो लोकी इस बार तो अपना कोई कमाल दिखा नहीं पा रही है, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। क्या लोकी अपना परफॉर्मेंस जो कल इन्होंने मेंटेन किया था वो इस बार कर पाएगी, नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोकी के दो प्लेयर को इन्होंने नॉक कर दिया गया। लोकी के दो प्लेयर यहाँ पर नॉक हो चुके और एक प्लेयर को चलो रिवाइवल मिल गया, दूसरे प्लेयर को भी रिवाइवल मिल गया, बट यहाँ पे ये थोड़ा परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाउन आ चुके हैं। कि अभी तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तो जस्ट मैच स्टार्ट हुआ है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। अगर यही परफॉर्मेंस इनका लास्ट तक बना रहा तो फिर ये इनको पॉइंट्स टेबल में बहुत ज़्यादा फ़र्क दे सकता है, क्योंकि जो टीम जो स्क्वाड कल जीत सकती थी आज और आज यहाँ पे हमको हारने के कारण पे भी दिख सकते हैं। बोहेमिया का यहाँ पे हॉक का नॉक करते थे तो बोहेमिया की तरफ भी बढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैग्ना बंको के यहाँ डॉक्टर डेविल का नॉक आते हुए जोकर को फिनिश कर दिया गया, हॉक अर्चिन को भी फिनिश कर दिया गया। आई थिंक सो टीम 12 यहाँ पे पहली टीम टीम 13 यहाँ पे पहली टीम बन चुकी है जिनको पूरी तरह से यहाँ पे फिनिश कर दिया। कैप्टन जैक स्पैरो यहाँ पे 40 HP के साथ सर्वाइव किए थे, फिर वहाँ पे इन्होंने दूसरे फाइट की तरफ गए थे, बट उसके बाद जो इन्होंने जो इन्होंने स्पॉटिंग बोल सकते हैं जो स्पॉटिंग और साथ साथ क्लियरिंग द एरिया बोल सकते हैं, ये दो चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने, अपना प्लेयर स्पॉट किए जब इन पर फायरिंग सब स्टार्ट हो। यहाँ पर बी एम के प्रिंसेस के यहाँ पर दो नॉक आते थे, आई थिंक सो फिनिश किया गया नॉक के साथ साथ। और यहाँ पे यूनियन का भी एक नॉक हमको देखने को मिला था कुछ दिन पे, बी एम के प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश जीरो फिनिशेस के साथ दिख रहे थे। आई थिंक सो ये बोट ऑफ KMC आ रही है यहाँ पे, बी एम के दूसरी बी एम है ओके। यहाँ पे इम्यून के जुबिन के पास एक किलो बड़ा और यहाँ पे लॉर्ड अंश को नॉक कर दिया गया एक प्लेयर के द्वारा। यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग अब ये स्कॉट तो बी एम नहीं है क्योंकि आपको जीरो किल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे डेन ने यहाँ पे जेंटाई के एक प्लेयर टीम आप बोल सकते हैं, यहाँ पे नाम कुछ ज़्यादा ही अजीब अजीब रखे जा रहे हैं। और इफ यू सी एनी प्रॉब्लम इन द कास्टिंग आप लोग कमेंट डाउन करके बता सकते हैं और साथ ही साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड वी हैव रिलीज सम शॉर्ट वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग वो शॉर्ट्स वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 15 टीम्स बची हुई है, टोटल 18 टीम्स में से क्योंकि टीम ब्लेज विथ 3 किल्स, टीम BM यहाँ पे BM आई थिंक सो ये टीम BM में भी बोट ऑफ KMC आ रही है। कल भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा OP लगा था मेरे को और आज भी मोस्टली इनका परफॉर्मेंस ऐसा है कि अच्छा ही देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। और यहाँ पे अभी तो यहाँ पे अनुष्का ने एक और BM के अहमद को नॉक कर दिया BM जिस इस बार ये जो नॉक है ये BM के तो यहाँ पे अनुष्का ने दो प्लेयर्स को नॉक कर दिया BM के। क्या अनुष्का यहाँ पे 1v4 क्लच कर पर दिखाएगी, एक नेड तो आते हुए लगन लगन नेड थोड़ा सा दूर है, नेड इनको थोड़ा सा आगे आके कर देना चाहिए क्योंकि इनको पता है ऑलरेडी दो प्लेयर नॉक है तो एक नेड में चले जाएंगे, या फिर अगर ये व्हीकल को भी ब्लास्ट कर दे तो ऑलरेडी दो किल तो इनके खाते में श्योरली आ जाएगा।
अब देखते हैं कि गोकू प्रो और जो रोशन बचे वो कब तक होल्ड करते हैं। बट यहाँ पे इनके पास चांस भी नहीं है कि अपने प्लेयर्स को बचा सके। ब्लेज के डेविल को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है वॉरियर एजेंट की तरफ से, और मैं जरूर से देखना चाहूँगा ब्लेज। अब इस बार पहली बार ब्लेज का आई थिंक 8-15 नॉक और ब्लेज तब से अच्छा खेल रही थी। अभी फर्स्ट मतलब चलिए जब से मेरा बार नॉक कर तब से अच्छा ही खेल परफॉर्मेंस देखने को मिलता था। बट अब यहाँ पे हमको ब्लेज के एक प्लेयर का नॉक और फिनिश देखने को यहाँ पे मिला है। यहाँ पे किंग 1414 यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, एजेंट के आरजी भी नॉक हो चुके हैं। तो ब्लेज वर्सेस वॉरियर एजेंट में एक एक प्लेयर दोनों तरफ से जा चुका, बट वॉरियर एजेंट के दो प्लेयर्स नॉक कर चुके हैं और वॉरियर एजेंट के एक और प्लेयर को नॉक कर दिया, दो प्लेयर फिनिश कर दिया गया। वॉरियर एजेंट अब बच चुकी है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में। वॉरियर एजेंट को यहाँ पे नॉक्स का सामना करते हुए और तीन प्लेयर अब दो प्लेयर गवा चुके और एक प्लेयर आखिरी बचे गॉड बीस्ट का। यहाँ पे डेनी की तरफ नॉक आते हुए यहाँ पे तो अभी नीड्स स्मोक्स और गन फाइट्स अभी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्लेयर कहीं ना कहीं से रोटेशन में ही क्लैश करने को देखने को मिल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ब्लेज के मैट्रिक्स रेसिंग कर रहे हैं और आई थिंक सो ये लास्ट किल की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट किल को यहाँ पे पूरी तरह से बोल सकते हैं अपने खाते में लेने की कोशिश की जाएगी। बट अभी अच्छे खासा ब्लेज के खाते में किल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, टीम फिनिशर्स 3 तो हैं और एक प्लेयर का भी और नॉक किया, 4 फिनिशर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। देखते हैं आगे क्या परफॉर्मेंस रहता है, कंसिस्टेंसी कैसी रहती है इनकी। और मैडमैक्स के यहाँ पे तपस्वी ने एक टीम CBG को नॉक कर दिया और टीम CBG को हम जल्द से देखना चाहेंगे। बट आई एम स्टिल अनएबल टू फाइंड आई थिंक सो यही है, हाँ यस टीम CBG के जेनोस क्रेटोस और द 3-ton किड यहाँ पे देखा जाए तो इनका पार्थ 2712 जो है वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में डेडमैन का एक नॉक आते हुए BM की तरफ, ये मैं जरूर देखना चेक करना चाहूँगा कि कौन सी BM हमको देखने को मिली है। ये आई थिंक सो ये ओरिजिनल BM है और ओरिजिनल BM बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन के कगार पे आ चुकी है, क्योंकि BM के दो प्लेयर्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं और BM के रोशन यहाँ पे मैं आई थिंक सो BM के रोशन को यहाँ पे रिवाइवल दे दिया जा सकता था गोकू की तरफ से, बट यहाँ पे इन्होंने गोकू ने रिवाइवल नहीं दिया। आई डोंट नो विच स्ट्रेटजीज दे आर वर्किंग करंटली राइट नाउ। और जैसा हमको कल देखने को मिला था जो जोन यहाँ पे अच्छे खासे किल्स लेके जा रहा था, अराउंड कल के मैचेस में 10-12 किल्स यहाँ पे जोन लेके गया था और आज भी सेम वही हो रहा है। यहाँ पे वॉक के पोरस को यहाँ पे नॉक आते हुए तो मैं वॉक की तरफ बढ़ लेता हूँ। वॉक को अभी हमने बहुत टाइम से एक्सपेक्टेड नहीं किया, वॉक ने यहाँ पे नॉक्स तो निकाले बट वॉक्स खाते में अभी तक एक भी फिनिश नहीं आया है। देखते हैं वॉक कब एक या नौ एक पूरी तरह फिनिश निकालती है या फिर पूरे स्पॉट को यहाँ पे एलिमिनेट करती है। यहाँ पे SKS स्पॉट करने की कोशिश, ओपन में जा रहे थे आई एम एन के JP बट यहाँ पे उन्होंने स्पॉट किया, बट अब फायर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है। और अब ये 3x स्प्रे देने की कोशिश करेंगे विटामिन के मैच का, यहाँ पे आखिरी प्लेयर बचे सिर्फ गोकू, ब्लेज के यहाँ पे तीन प्लेयर बचे, ब्लेज का एक प्लेयर यहाँ पे थोड़ा लॉस करना पड़ा और आरजी यहाँ पे मुश्किल में फंस चुकी है। आरजी के एक प्लेयर नॉक है और आई थिंक सो यहाँ पे रिवाइवल तो मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये इनको यहाँ दूसरे साइड से शॉट्स पड़ रहे हैं ऑलरेडी, और ये अगर रिवाइव दे के भी अगर यहाँ से हिलते हैं तो स्क्वाड्स जो है जो पुल स्क्वाड्स हैं वो इनको जोन में एंट्री नहीं लेने देंगे और इस वजह से इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और खासकर इनको कवर देने के लिए भी कोई नहीं, सिर्फ दो प्लेयर बचे एक्सोनॉन का एक वॉक की तरफ नॉक आते हुए, तो वॉक का दूसरा बंदा भी क्या एलिमिनेट हो जाएगा या फिर यहाँ पर वॉक सक्सेसफुल रहेंगे रिवाइव में। बट यहाँ पे जेनॉन भी रशिंग कर चुके और जेनॉन के साथ साथ टीम प्लेयर यहाँ पे जाने को देखने, क्या लैंडरिंग ने यहाँ पे वॉक शेडो को नॉक किया था, वॉक शेडो यहाँ पे रिवाइवल को देखने को, डेडमैन का यहाँ पे रशिंग देखने को मिल रहा है, जेनॉन को फिनिश कर दिया गया बट वॉक को दो प्लेयर्स नॉक हो गया और एक प्लेयर एलिमिनेट हो चुका है। दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे रिवाइवल देखने को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे गॉड बीस्ट का राइजन 8 की तरफ नॉक आते हुए टोटल टॉप 10 टीम्स हमको मिल चुके, बट यहाँ पे रिवाइवल का कोई फायदा नहीं है। वॉक के शेडो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे और वॉक बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसते हुए। वॉक डैडी यहाँ पे सिर्फ आखिरी प्लेयर बचे अपने स्क्वाड के लिए और वॉक
डैडी क्या जोन में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। ब्लेज के PXT भी यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक हो चुके, ब्लेज अपने खाते में 6 किल कर ले आ चुकी है, और ब्लेज B4M यहाँ पे डॉक्टर ब्लड एल को फिनिश कर चुके हैं। ब्लेज जोन में यहाँ पे BMK गोकू प्रो को भी फिनिश कर दिया गया, टीम BM यहाँ पे पूरी तरह से एलिमिनेट होते हुए, टीम WDB जो वर्ल्ड ऑफ वो भी यहाँ पे पूरी तरह एलिमिनेट हो चुकी है। लोकी के जेनिल लोपी को, लोकी ने जेनिल लोपी को नॉक कर दिया। डेडमैन ने यहाँ पे सिंगापुर सॉरी नाम मिस्टेक हो गया, विटामिन एच ने यहाँ पे एक और प्लेयर को नॉक कर दिया, लोकी ने यहाँ पे जेनिल लोपी को नॉक फिनिश कर दिया गया है। जेनिया बहुत ज़्यादा ही फाइट से फाइट यहाँ पर कोई लुटने का नाम नहीं ले रहा, और ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट फाइट्स हो रही है। तो और मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप ये लोग स्क्रीन देख रहे हैं तो डोंट वरी, जो इसका जो सेकंड मैच थर्ड मैच का है वो सबका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के एंड में। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, इस वीडियो के एंड में आपको जो एंड स्क्रीन दिखने वाला है वहाँ से आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरे वीडियो पर स्विच भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट और यहाँ पर बहुत छोटा जोन बनते हुए, बहुत छोटे से जोन में यहाँ पर टोटल 4 टीम्स बचते हुए 15 प्लेयर्स अलाइव। यहाँ पर मैट्रिक्स को बहुत प्यारा नॉक, और नॉक के बाद एक बहुत प्यारा चाटा आते हुए यहाँ पर अगर रिवाइव नहीं होगा तो यहाँ पर एलिमेंट हो जाएंगे। डेडमैन के हिटमैन यहाँ पर 3 प्लेयर को यहाँ पर नॉक कर दिया गया। यहाँ पर डेडमैन आई थिंक सो टीम जो स्लॉट 11 यहाँ पर एलिमिनेशन कगार पर ही है, क्योंकि बाकी टीम 21 जो स्लॉट विटामिन है यहाँ पे रशिंग करने की कोशिश जरूर से करेंगे, और विटामिन के एच यहाँ पे रशिंग कर चुका है, बट विटामिन के एच को दूसरे विटामिन के एच ने बहुत ज़्यादा लो एपी कर दिया। 1 HP यहाँ पे अगर रशिंग नहीं देखने को मिला तो विटामिन ये फाइट पूरा आ सकती है। क्या यहाँ पे विटामिन आएगी कि नहीं आएगी विटामिन, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। क्या यहाँ पे देखते हैं विटामिन के प्लेयर्स को फिनिश कर दिया, बट विटामिन के जो आखिरी प्लेयर बचे उसको भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया। टीम इम्यून यहाँ पे टीम विटामिन पे भारी पड़ते हुए और पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। टॉप 2 टीम्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि टीम इम्यून और टीम ब्लेस। देखते हैं कौन यहाँ पर चिकन डिनर लेके जाता है। और अगर आप लोगों को पता होगा तो फर्स्ट मैच पिछले जो कल का जो दिन था उसमें लोकी का आया था, बट यहाँ पर अभी लोकी थोड़ा उतना शोर नहीं मचा पाई, और लेट्स सी यहाँ पर चिकन डिनर कौन ले जाता है, ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पे स्मोक्स और नेट की बारिश आई थिंक जो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे MK14 और M4 का एक बहुत बेहतरीन कॉम्बो हमको देखने को मिल रहा है। MK14 अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो ब्लेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल में फंसते हुए, क्या ब्लेज की मैट्रिक्स यहाँ पे PXT को यहाँ पे एलिमिनेट सॉरी रिवाइव दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ब्लेज यहाँ पे चारों तरफ से घुस गया। यहाँ पे आई इवेंचुअली एक ही सॉल्यूशन है कि अगर यहाँ पे इनको जोन आ जाए और जोन थोड़ा सा इनको कवर दे देगा रिवाइवल के लिए, बट अब यहाँ पे ब्लेज एलिमिनेट होते हुए, ब्लेज यहाँ पे पूरी तरह से एलिमिनेट होते हुए और चिकन डिनर जाते हुए अब गया चिकन डिनर। यहाँ पे अभी भी बचे थे एक प्लेयर, आई थिंक सो 10 HP के साथ बच गए थे, बट टीम इम्यून टेकिंग द गॉड डैम चिकन डिनर विथ अराउंड आप बोल सकते हैं 16 किल्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। 16 किल्स बहुत ज़्यादा ओपी खेली टीम इम्यून, और लेट्स होप कि ऐसा ही जो इनका परफॉर्मेंस हो नेक्स्ट मैच में भी बना रहे और आने वाले मैचेस में भी बना रहे। और मैं जरूर से कहना चाहूँगा कि आज के जो मैचेस होंगे उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, और फाइनल रिजल्ट्स जो कल कौन सी टीम खेलेंगी कि नहीं खेलेंगी, तो इसके लिए आपको ये स्ट्रीम के बाद जो थर्ड स्ट्रीम का जो लिंक मिलेगा वो ओवरऑल स्टैंडिंग्स वहाँ से आपको देखनी पड़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई करेंगे कि हर स्ट्रीम के बाद आपको रिजल्ट्स दिखा पाए, तो अभी के लिए तो हम रिजल्ट्स यहीं से वर्बली डिस्कस कर सकते हैं, तो वर्बली हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर टीम इम्यून जो यहाँ बोल सकते हैं 16 किल्स के साथ बहुत ज़्यादा ओपी परफॉर्मेंस दिखाया टीम इम्यून ने मेरे सामने, आई थिंक से दो ये व्हेन आई वाज स्पेक्टेटिंग उस टाइम पे ही इन्होंने 2-3 स्क्वाड्स को एलिमिनेट किया, दैट्स लिटरली गॉड प्लेन। और यहाँ पर टीम ब्लेज यहाँ पर अच्छा खासा खेली, अच्छा खासा किल्स भी निकाला, 7 किल्स अपने खाते में करना, 7 किल्स इज नॉट ऑर्डिनरी, 7 किल्स इज ऑल्सो माइंड ब्लोइंग। यहाँ पर बहुत अच्छा खेला, बट यहाँ पर इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि इनके प्लेयर लॉस जो हुए वो इनको सबसे ज़्यादा बैकफायर कर गया, और इस चीज़ की वजह से यहाँ पे सेकंड आ चुके हैं। और बाकी टीम विटामिन भी बहुत अच्छा खेली, टीम विटामिन ने यहाँ पे वो इम्यून से फाइट लेने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, और इस वजह से यहाँ पे टीम विटामिन एलिमिनेट हो गई। और इस चीज़ का क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ का कैपिटलाइजेशन जो टीम इम्यून ने किया बहुत बेहतरीन था। और टीम लोकी यहाँ पे 4th पोजिशन पर आई है, और टीम लोकी आई डोंट
थिंक सो भी लोकी अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, टीम लोकी इस लिटरली किलिंग इट। टीम लोकी के पास अभी भी यहाँ पे 11 किल्स देखने को मिले हैं फोर्थ पोजीशन के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि 11 किल्स विद एन फोर्थ पोजीशन, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बताएं तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर फर्स्ट टीम के पास यहाँ पे जो फर्स्ट टीम ऑफकोर्स यहाँ पे डोमिनेट करके ज़्यादा आई है 15 प्लेसमेंट पॉइंट्स के साथ 16 किल पॉइंट्स है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा ही होगा, 31 पॉइंट्स हो गया है। और सेकंड टीम को यहाँ पे 12 पॉइंट्स विथ 7 किल्स, तो 19 पॉइंट्स। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। बट क्या ये स्लॉट फोर जो इन्होंने 11 के लिए है वहाँ तक पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी, एक बार एक छोटा सा कैलकुलेशन आप लोगों के लिए पेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक सो फोर्थ पोजीशन को यहाँ पे 8 पॉइंट मिलने वाले हैं 8 पॉइंट्स के साथ 11, तो 19 पॉइंट्स। एंड आई जस्ट हर्ड इट राइट, ये 19 पॉइंट्स सेम स्लॉट टू को भी मिलने वाले हैं। तो स्लॉट टू पे जो पोजीशन होगी वो स्लॉट टू पे जो पोजीशन जो हमारे ओवरऑल स्टैंडिंग्स में होगी, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में पॉइंट्स टेबल की जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट मैच है वो पॉइंट्स टेबल में होगी, वो होगी टीम लोकी, क्योंकि टीम ब्लेज ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, अच्छा स्किल्स भी दिखाए, सेम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स है, बट यहाँ पे किल पॉइंट्स ज़्यादा है टीम लोकी के पास। तो ऑफकोर्स टीम लोकी यहाँ पे अब सेकंड पोजीशन पे देखने को हमको मिलेगी इस पॉइंट से बना। तो उसके बाद यहाँ पे टीम हिटमैन यहाँ पे 2 फिनिश के साथ, टीम बोल सकते अभी के लिए मैं एग्जांपल ले लेते टीम अल्ट्रॉन या फिर टीम राइजन यहाँ पे 4-5 किल्स के साथ। टीम वॉरडॉग यहाँ पे बहुत अच्छा खेली बट थोड़ा सा किल्स के मामले में थोड़ा सा मिस आउट कर गई। और टीम बीएम यहाँ पे बीएम भी अच्छा खेली और बीएम यहाँ बट किल्स जो यहाँ पे किल्स यहाँ पे मेरे को जो देखने को मिल रहा है सिर्फ टॉप 5 या टॉप 6 टीम्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बाकी सारे टीम्स को यहाँ पे किल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा पीछे रहना पड़ा है। लेट्स होप कि ऐसा आने वाले मैचेस में ना हो, बाकी 2 मैचेस में यहाँ पे किल्स के साथ साथ यहाँ पे सॉरी पोजीशन के साथ साथ किल्स को भी डिफरेंट रहा जाए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला है किल्स पॉइंट्स डू मैटर अलॉट मीन्स अलॉट। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि ट्राई एज मच एज यू कैन कि आप लोग किल पॉइंट्स के साथ साथ सॉरी पोजीशन पॉइंट्स के साथ साथ किल पॉइंट्स भी सिक्योर कर सको। सो अभी के लिए तो यहाँ पे हम स्ट्रीम एंड करेंगे, ये वाला स्ट्रीम एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सारे मैचेस क्लिप्स वाइज और यहाँ पे आएंगे। 3 पार्ट्स में इस मैचेस को डिवाइड किया जा रहा है, 3 मैप्स तीनों मैचेस के अलग अलग वो रहेंगे, ताकि आपको टाइम से नहीं अलग टाइटल से ही आपको पता चल जाए कि ये मैच इस चीज़ का था या फिर ये मैच जो था ये इस मैप के लिए किया गया था। तो ये आप वहीं से आप इस चीज़ को पता कर सकते हो और सारे लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और सारे लिंक्स के साथ साथ अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको इंटरकनेक्टेड वीडियोज़ भी मिल जाने वाले हैं। तो आप अगर फर्स्ट देख रहे हैं तो फर्स्ट के बाद अगर आपको सेकंड देखना है तो सेकंड का लिंक मिल जाएगा, सेकंड में वैसे ही आपको थर्ड का लिंक मिल जाएगा। तो डोंट वरी एट ऑल, चिल गाइस, और चिल के साथ साथ अच्छे से ज़रूर से खेलना। अगर आप ये वीडियो आई नो ये वीडियो कल पोस्ट होगी, कल तक पोल्स जो आज के पूल के विनर हैं वो भी डिसाइड हो चुके होंगे जो कौन सी टीम ग्रैंड फाइनल्स में जाने वाली है। बट मैं उन्हीं टीम्स को बोल रहा हूँ कि जो ग्रैंड फाइनल्स में जा रही है, आप इतनी दूर तक आए हो, आपने क्वार्टर फाइनल्स फेस किया, आपने सेमीफाइनल्स जो डे 1 फेस किया, सेमीफाइनल्स को डे 2 में भी फेस करना पड़ रहा है आपको, सेमीफाइनल्स दो बार फेमस फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक हैकिंग एलिगेशंस और हैकिंग के मामले की वजह से। आई नो कि ये सही बात है बट आप लोगों के लिए तो ये थोड़ा एक डिस्टर्बेंस ही है, क्योंकि आपको अपना जो बेस्ट एक बार दे सकते हो, हर बार अपना बेस्ट देना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस अगर आप लोग इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँच चुके हो फिर भी, तो आज पीछे मत हटना एंड टेल गेट द जो प्राइस पूल है, आप लोगों को जरूर से पता है प्राइस पूल कितना। प्राइस पूल एंड अदर डिटेल्स वी आई डोंट थिंक सो वी आर अलाउड टू अनाउंस दैट, सो वी विल कीप इट टेल अस जितना हो सके उतना डिटेल्स ही हम शेयर करेंगे। तो मैं जरूर कहना चाहूँगा जो भी स्कॉट यहाँ तक पहुँची है ऑल द बेस्ट, और आज के जो रात का टूर्नामेंट्स होगा उसमें रॉक ऑन कर देंगे। सो सी यू इन अ वाइल इन एन अनदर स्ट्रीम। सो मोस्ट प्रोबेबली टीएनसी मामा पे विल बी जॉइनिंग अस फॉर द कास्टिंग, लेट्स सी। टिल देन टीएनसी टॉक्सिक विद टीएनसी मामा ओपी साइनिंग आउट।
get it, baby. You know I'm a plug, right, Bobby? Got a feeling that it's gonna be a long night.